देशातल्या सहकार क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि हे क्षेत्र दुर्गम ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी देशातल्या दोन लाख ग्रामपंचायतींमध्ये पॅक्स म्हणजेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन केल्या जाण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आज देशात त्रेसष्ट हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सक्रिय आणि कार्यक्षम कृषी पतसंस्था आहेत त्यांची व्याप्ती वाढवण्याच्या उद्देशानं आज हा निर्णय घर संग दो लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है जहां पे अफसर है इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बल दें उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है कोऑपरेटिव्स डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस देशाच्या उत्तर सीमावर्ती भागातल्या गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वायब्रंट विलेजेस या योजनेला मंजुरी दिली आहे या योजने योजनेअंतर्गत वीज पाणी अशा मूलभूत सुविधा आणि आरोग्य तसंच विकास केंद्र देखील स्थापन के जातील केंद्र आणि राज्य संयुक्तपणे ही योजना राबवतील या योजनेसाठी चार हजार आठशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे दोन हजार बावीस त्विस तोन हजार पंचवीस सव्वीस या काळात ही योजना राबवली जाईल असते मनाने सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो यह सुनिश्चित किया जाएगा इन क्षेत्र के लोगों को अश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले ये प्रावधान किया जाएगा अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके प्लान रुक सके इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है आईटीबीपी इंडो तिबेट बॉर्डर पोस्ट या सात नव्या तुकड़ा निर्माण करने से ही केंद्रीय मंत्री मंडराने मंजूरी दी है या अंतर्गत 9,400 पदांची निर्मिती पदा की निर्मित हिमाचल प्रदेश और लडाख दरम शिंकूला बोगद्याची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली दोन हजार पंचवीसपर्यंत या बोगद्याचं काम पूर्ण केलं जाईल या बोगद्यामुळे लडाखला संस्कार खोऱ्यामार्फत उर्वरित देशाशी जोडलं जाईल